इस लॉकडाउन में क्या बनाना सीखा? मैंने ना खीर बनानी सीखी। अरे वाह, वो कैसे? देख, सबसे पहले खीरा लो, उसमें से आ की मात्रा हटा दो, आपकी खीर तैयार है। वैसे मैंने पेड़ा बनाना भी सीखा। अच्छा, वो कैसे बनता है? देख, सबसे पहले एक पेड़ लो, उसमें वो आ की मात्रा लगा दो जो आपने खीरा में से निकाली थी, आपका पेड़ा तैयार है। यार प्रेम, एक चीज बता, इन लड़के और लड़कियों में डिफरेंस क्या होता है? देख भाई, लड़के होते हैं आलू की तरह जो किसी भी सब्जी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन लड़कियां होती हैं लौकी की तरह जो किसी भी सब्जी के साथ एडजस्ट नहीं होती। आज से वीडियो बनानी बंद। वीडियो बनाकर भी कहाँ फायदा हो रहा, लाइक्स नहीं आ रहे, फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, मेरा तो हो ही रहा घाटा, 2-3 GB रोज उड़ा रहा हूँ डाटा। ये लो रोटी खा लो। कितनी रोटियां हैं इसमें? पूरी 20 हैं। जानवर लगता हूँ क्या मैं तुम्हें, जो 20 रोटियां खाऊंगा इनमें से एक वापस ले जाओ। आपके लिए एक बैड न्यूज है और एक उससे भी ज्यादा बैड न्यूज है। क्या खबर है बताइए? आपका सब टेस्ट रिपोर्ट देख के ये पता चला कि आपके पास सिर्फ 24 घंटा है। तो इससे भी बुरी खबर क्या हो सकता है? और ये बताने के लिए मैं आपको कल से ढूंढ रहा हूँ। तू लॉन्ग वे में लाची, तेरे पीछे आगवाची, इसे आने ला पैसे दे। ए दे ना, मैं तेरे वास्ते नाच ही रहे। टोर नाल चढ़े मुंडा, टोर नाल चढ़ा, टोर नाल चढ़े मुंडा, टोर नाल चढ़ा, ला मैं भी नाचा, मेरे को भी दे। ओ हेलो, तुमने मेरे भाई को थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि इसने मुझे मोटी बोला है। हाँ तो थप्पड़ मार के कौन सा तुम्हारा वेट कम हो जाएगा? लड़की देख रहा है? हाँ हाँ, अगर वो मेरी नहीं हुई ना तो मैं उसे किसी की नहीं होने दूंगा। अच्छा, और अगर वो तेरी हो गई तो क्या तू उसे सबके होने देगा? ABCDIFGXYZ। अबे क्या बोल गया ये? अबे भाई, पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा अंग्रेजी सिखवाती है। अच्छा भाई। एक्सक्यूज मी सर, वेयर इज दिस एड्रेस? अबे क्या कह रहे हैं ये? अबे एक काम कर, उसको ले जिसको सबसे ज्यादा अंग्रेजी आती है, ले लिया। एक्सक्यूज मी सर, वेयर इज दिस एड्रेस? ABCDXYZ। भाई थप्पड़ क्यों मार गया तुझे? भाई वो यू कह रहा है कि इतना पढ़ा लिखा होके भी इन गवारों के साथ घूम रहा है। हेलो सनी। हाँ बोलो। एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। आई लव यू। क्या? नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रही है ना, मजाक। अरे नहीं बाबा, सच्ची सच्ची। एक मिनट होल्ड रखना, एक मिनट। हाँ चाचा। हाँ हाँ बोल दिया उसने। हाँ हाँ भाई। हाँ बोल दिया। हाँ बुआ। हाँ अंकल। हाँ ताऊ। हाँ बोल दिया उसने। हाँ बोल दिया। हाँ दीदी। हाँ जीजा। हाँ बुआ। हाँ दूर वाले चाचा। हाँ बोल दिया उसने। हाँ पंडित जी, शादी का मुहूर्त निकलवाइए। अरे हाँ, लॉकडाउन के बाद। हाँ हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया। हाँ बोलो। अप्रैल फूल। फीलिंग से भरा तेरा दिल, लुट के ले गया मेरा ठोडी वाला तिल, अकेला मेरा यार तेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंजिल। ओ भाई तू क्यों उदास बैठा है? अरे यार मेरी तो जिंदगी खराब है, कुछ भी करने जाता हूँ बुरा ही होता है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? कल मेरी बंदी आई मुझे सरप्राइज करने घर पे, उसको चोर समझ के पीट दिया, छोड़ के चली गई मुझे। ओ शिट। फिर सोचा कि एक्सीडेंट करके मर जाऊं, बाइक के ब्रेक निकाली, वो भी तू अपने भैया के लिए मांग के ले गया। भैया। भाई ये तो कुछ नहीं, मैंने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक में जहर डाल के मर जाऊं, वो कोल्ड ड्रिंक भी तू पी गया। एक बात बता, मछली बोल क्यों नहीं पाती? तेरा थोबड़ा मैं अगर पानी में डाल दूं तू बोल पाएगी? यार गज्जू। हाँ? मुझे ना ये लड़की बहुत पसंद है। अबे तू जा उसे प्रपोज कर, मेरे सो पे रोमांटिक गाना चला दूंगा पीछे से। हाँ चल ठीक है, आ जा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। मेरे दोस्तों, तुम लोगों को पता है कौन बनेगा करोड़पति में? मुझसे 5 करोड़ रुपए का सवाल पूछा गया। अच्छा। कि तुम्हारा वो कौन सा दोस्त है जो ठंड में एक हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाता है? मैंने 5 करोड़ रुपए को ठोकर मार दी, पर तुम लोगों का नाम नहीं लिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी मम्मी नहीं मानेगी। अच्छा तो मैं डेटोल से नहा के आता हूँ। क्यों? क्योंकि माँ माने सिर्फ डेटोल का धुला। भाई कोई भी लड़की बुरी नहीं होती है, बस किसी किसी को अच्छे से मेकअप करना नहीं आता। यार एक चीज बता, जिंदगी क्या है? जिंदगी एक खेल है। वो कैसे? देख, बचपन में कौआ उड़ा, मैना उड़ी, जवानी में नींद उड़ी, चैन उड़ा, बुढ़ापे में दांत उड़े, बाल उड़े।
यार प्रेम एक चीज बताइयो, स्कूल की फुल फॉर्म क्या होती है? 7 क्रीपी आवर्स ऑफ आवर लाइफ। और क्लास की? कम लेट एंड स्टार्ट स्लीपिंग। यार एक चीज बता, घर की डेफिनेशन क्या होती है? यार मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ, देख, जो घर हौसलों से बनाए जाते हैं उन्हें हाउस कहते हैं, जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं, जिन घरों में ये भी ना पता हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं, और जिन घरों के लोन की इंस्टॉलमेंट भरते भरते आदमी लेट जाता है उसे फ्लैट कहते हैं। गज्जू क्या सोच रहा है? यार प्रेम, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर होता है? देख, जो मंत्रण आम के पेड़ के नीचे दिया जाता है उसे आमंत्रण बोलते हैं, और जो नीम के पेड़ के नीचे दिया जाता है उसे निमंत्रण बोलते हैं। हेलो सर, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहूंगा। जी करिए। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, आज सुबह ना मेरे को एक सपना आया। ये भाई सपने अपने मत देखा कर, कोई सच नहीं होते। वैसे मैं सपने में ना तेरे को तेरा उधार वापस दे रहा था। भाई होते होते। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं है। क्यों, तुम्हें बनना है? नहीं। तो फिर दुखती नस पे हाथ क्यों रख रही है डायन? सुनो, मैं 10 मिनट के लिए ना मार्केट जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? नहीं, मिली इतना ही बहुत है। ओके। एक बात बताओ, तू इतनी अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस देता है फिर भी सिंगल है? कोच को कभी खेलते हुए देखा है? एक बात बताओ, दोस्त क्या होते हैं? वो मनहूस इंसान जिससे हम चाहकर भी तमीज से बात नहीं कर सकते। यार मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना यार, तुम मुझे नहीं अच्छी लगती। पर तुम तो कहते थे मैं तुम्हारे सपनों की रानी हूँ। हाँ तो अब मैं उठ गया। जा, मैं तुझसे ब्रेकअप करती हूँ। चल निकल। तू निकल, चल। लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। क्यों, गोलगप्पे बेचेगा क्या? बैग सारी हो जाए। मुझे तुमसे इश्क तुम्हारे जितना ही था, मुझे तुमसे इश्क तुम्हारे जितना ही था, मुझे तुमसे इश्क तुम्हारे जितना ही था, मुझे तुमसे इश्क तुम्हारे जितना ही था। अबे आगे बस, खत्म, इतना ही था। ये देखो मेरे बिना मेकअप की फोटो। दो साल बीत गए, ना उसने कभी मुड़ के देखा और ना ही मैंने कभी इंतजार किया। तू किसकी बात कर रहा है? बुक्स, किताबें। एक बात बोलूं? मत बोल। मेरे दो यार हैं और दोनों गवार हैं। मेरी जमीन को तेरे कदम का ना जाने कब से था इंतजार, एक ना एक दिन आना है तुमको, दिल को मेरे है ये एतबार। मैं खुदा से तेरे सिवा कुछ और ना मांगूंगा, कभी तुम्हें याद मेरी आए इतनी सी बात समझ जाना, फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं, राह से मेरी गुजर जाना।